साइबर सिटी गुरुग्राम में वैश्य समाज द्वारा अन्नकूट महोत्सव और स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी पार्टियों के नेताओं और समाज के लोगों को निमंत्रण दिया गया है। गुरुग्राम में 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीदें भी जताई जा रही हैं। लेकिन इस समारोह में बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पर्यावरण संरक्षण विभाग के प्रमुख नवीन गोयल, जो वैश्य समाज से आते हैं, उनको निमंत्रण देना तो दूर, उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होने पर भी रोक लगा दी है। वैश्य समाज के लोगों की माने तो नवीन गोयल समाज को जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का काम करते हैं। पिछले कुछ दिनों में उनके द्वारा कराए गए कार्यक्रमों से समाज को तोड़ने का काम किया गया था। इसके अलावा नवीन गोयल बीजेपी के होते हुए बीजेपी विधायक सुधीर सिंगला, जो वैश्य समाज से आते हैं, उनकी अनदेखी करते हैं, इसलिए अखिल भारतीय वैश्य समाज उनको कार्यक्रम में शामिल नहीं करेगा। ऐसा है, नवीन गोयल को हमने इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया है। किसी ग्रुप के माध्यम से, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं कॉमन जुड़ा है, हो सकता है उसको निमंत्रण गया हो, तो भी मैं स्पष्ट बता रहा हूँ कि हमने उसको आमंत्रित नहीं किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसने जो कार्यक्रम पिछले दिनों किया था वो समाज को तोड़ने का काम उसने किया था, समाज को जोड़ने का काम नहीं किया। जो उन्होंने कार्यक्रम किया स्थानीय विधायक का, उसमें नाम नहीं दिया, बाद में लोगों के दबाव से उसका नाम कार्ड में जोड़ा गया, और इसी तरह से एक और बयान वो जगह जगह देते हैं कि मैं गुड़गांव से चुनाव लड़ूंगा, टिकट मिले या ना मिले तो लड़ूंगा। जब गुड़गांव में गुड़गांव का विधायक समाज का है, तो समाज का दूसरा व्यक्ति अगर इस तरह की बात करे तो ये समाज को तोड़ने का काम है, इसलिए हमने उनको आमंत्रित नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, द ग्राउंड न्यूज।